स्ट्रीम नहीं कर रहा था, राइट, मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बाहर घूमने गया था, तो मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था। अब वो कमेंट सेक्शन में पता क्या आ रहा था कि मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, अब समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ बताने का। देखो कुछ कुछ ऐसे पाँच दस लोग होंगे मेरे ख्याल से, या मेरे को लगता है 5-10 लोग भी नहीं है शायद, वो कुछ मेरे ख्याल से 2-3 लोग ही है शायद, आई थिंक सो 2-3 लोग है, या फिर चलो मैक्स मैक्स 5-10 लोग पकड़ लो। चलो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया शायद अपना, ऐसा मेरे को लगता है, मुझे पता नहीं ऐसा है या नहीं है, या डिस्कॉर्ड ग्रुप होगा या व्हाट्सएप ग्रुप होगा पता है। और ये लोग क्या करते हैं, और मैं बहुत अच्छे से प्यार से बोल रहा हूँ, मैं गाली वाली यूज़ नहीं करूँगा, ताकि मेरी बातें सब आपके दिमाग तक पहुंचे, ना कि मुझे कुछ और कुछ बकचोदी करनी है, तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ, समझ जाओ प्यार से, तो अच्छी बात है, मैं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ पाँच दस लोग हैं जिन लोगों ने ऐसा व्हाट्सएप या डिस्कॉर्ड ग्रुप बना रखा है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्ट्रीम पे नहीं बैठते, ये लोग स्ट्रीम पे नहीं आते, जब स्ट्रीम खत्म हो जाती है ना, स्ट्रीम खत्म होने के बाद आके कमेंट सेक्शन में बकचोदी देते रहते हैं। और पता है ये बंदे अपनी अल्टरनेटिव आईडी, बेसिकली एल्ट आईडी कहते हैं, अल्टरनेट आईडी कहते हैं, अल्टरनेट आईडी से आके अपनी कमेंट को लाइक देते रहते हैं, और अपनी कमेंट के नीचे कमेंट करते रहते हैं, ताकि उनका कमेंट आगे ऊपर दिखते जाए, या उनके कमेंट पे और मतलब ऐसा 20-30 कमेंट्स दिखे, यू नो, और फालतू की बकचोदी करते रहते हैं, ठीक है, लाइक फालतू की बकचोदी करते रहते कि भाई इसका ये ऐसा हो गया, इसका वो वैसा हो गया, यू नो, इसके सब्सक्राइबर्स कम हो गए, इसके ये कम हो गए। फिर मैंने सोचा कि सब्सक्राइबर्स का तो मैंने बता दिया, है ना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं वो मॉडल जब अक्षय कुमार के मीटअप में मिले थे, तब मॉडल के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा था, सभी सेम प्रॉब्लम हो रहा था, तो मॉडल ने बोला कि अभी यूट्यूब से हमारी बात हुई है, तो ये अभी चलेगा कुछ टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद ही रुक जाएगा और फिर नॉर्मली अपना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो मैंने कहा मेरी भी सेम बात हुई थी, तो मेरे को भी सेम आंसर मिला है, तो मैंने ये चीज़ पब्लिक को बता दी, फिर मैंने बोला ये तो मैंने बता दिया, तो फिर उसके बाद भी ये सेम कमेंट्स आ रहे हैं, क्या हो गया ऐसा? फिर ये खत्म हुआ, फिर उसके बाद ये लोग गेम पे आ गए कि भाई वैलो 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 खेलते रहते हो, वैलो खेलते रहते हो। फिर मैंने बोला यार वैलो तो पीसी गेम है, पीसी गेम तो हम खेलते हैं, मतलब अच्छा लगता है खेलना, उसे मजा भी आता है, तो खेलते हैं, और अगर पीसी गेम्स ना खेलो तो फिर ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग आके बोलते हैं कि भाई आप मोबाइल गेम ही खेलते हो, ठीक है मोबाइल गेम ही खेलते हो, राइट, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। फिर मैंने बोला चलो वैलो खेल रहा हूँ मैं, ज्यादा एक काम करता हूँ, मैं मोबाइल गेम खेल, मतलब बीजीएमआई खेलती हूँ, क्योंकि अपने को मैंने सोचा कि बीजीएमआई की ऑडियंस है, हो सकता है शायद बीजीएमआई की ऑडियंस बोल रही होगी कि मैंने मतलब हमें बीजीएमआई देखने नहीं मिल रहा, तो बीजीएमआई खेलते हैं। फिर मैंने ना तीन घंटा मैंने बीजीएमआई खेला लगातार, मैंने फिर 3 घंटा बीजीएमआई खेला, फिर उसके बाद वैलो खेला, ठीक है। फिर मैंने बोला, फिर मैं सोचा, मैं रात को सोचा कि चलो बढ़िया, आज तो बीजीएमआई भी हो गया, आज वैलो भी हो गया, आज कोई टेंशन नहीं होगा। फिर अगेन मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा, फिर उसमें अलग आ रहा चल रहा था कि आरपी नहीं खेलता। फिर मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, मैंने नेक्स्ट डे आरपी भी खेल लिया, मैंने बीजीएमआई भी खेला, मैंने आरपी भी खेला, फिर मैंने वैलो नहीं खेला, क्योंकि टाइम नहीं बचा था, क्योंकि आरपी लंबी चलती है अपनी, कभी कभी 1-2 घंटा चल जाती है। तो मैंने बीजीएमआई भी खेला, मैंने आरपी भी खेल लिया, अब ये सब हो गया, गेम वेम का सब हो गया, अब गेम का हो गया, अब ये लोग आ गए वो लड़की के ऊपर आ गए, जो नई सीसी हमारी उसके ऊपर आ गए कि भाई इसके साथ ही खेलते रहते हो। फिर मेरे को समझ में आया कि यार ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम कंटेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम कुछ और है, ये ऐसे कुछ पांच छह लौंडे हैं, चूतिया लोग, अरे सॉरी गाली नहीं देना मेरे को, ऐसे पांच छह कुछ लोग हैं जो ग्रुप बना के बैठे हैं, जिनको बस कमेंट सेक्शन में आके हगना ही है, सिर्फ हगना है। अगर गेम ना खेलो तो गेम के ऊपर हगना है, अगर गेम खेल लिया और गेम का टॉपिक नहीं बचा तो लड़की के नाम से हगना है, केस के साथ क्यों खेल गया, और इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया, मतलब भाई एक नंबर के दिमाग से पैदल हो गया, ठीक है। और कमेंट जैसे मैं देखता हूँ स्ट्रीम एंड होती, कमेंट सेक्शन में आके हगना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, जब मैं ट्रैवल करने जा रहा था, बेसिकली अभी 2 दिन मैंने स्ट्रीम नहीं किया ना, तो 2 दिन पहले मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा मेरे स्ट्रीम के, तो मैंने देखा उसमें कि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे, अब उसमें कुछ अच्छे क्रिटिसिज्म भी था, मतलब हेल्दी क्रिटिसिज्म था उसमें, कुछ अच्छा भी था उसमें, कुछ अच्छे लोग बोल भी रहे थे कि यार आप ये भी ट्राई कर सकते हो, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, तो मैंने उनका कमेंट भी पढ़ा, ओके। फिर उसके बाद मैंने ये चमन चूतिया कमेंट भी पढ़ा, जो मतलब फालतू का ज्ञान चूत रहे थे मेरे को आके, ठीक है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने रात भर सोचा, मैं बैठ के सोचा कि यार ऐसा क्या हो सकता है कि ये ऐसे कमेंट्स आ गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो गेम भी खेल रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं 1-2 घंटा गेम करके चला जाता हूँ, राइट, मतलब मान लो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी लाइव कर, अभी जैसे कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, तो मैं 4 बजे आता हूँ और मैं 5 बजे चला जाता हूँ, बोलता हूँ कि यार मैं बोर हो गया, या मैं थक गया, या मेरे को मन नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ सोने, मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने, या ऐसा कुछ बोलते मैं चला गया, यू नो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। अपन तो भाई 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्ट्रीम कर रहे हैं अपन, मतलब एक ही स्ट्रीम पर अपन पूरा क्या कहते हैं बीजीएमआई पेल दे रहे हैं, वैलो पेल दे रहे हैं, यू नो, और पीसी गेम्स भी पेल दे रहे हैं, आरपी पेल दे रहे हैं, बीच में भी हमने अलग अलग गेम्स भी खेले थे, हैरी पॉटर हो गया, सन्स ऑफ फॉरेस्ट हो गया, मतलब अपन ऐसे कॉन्टेंट वाइज एज अ स्ट्रीमर अपन सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया इन लोग को कि इनको इतनी आग लगी है नीचे कि यार ये इनको कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है। अब मैं उनको सिंपल 100 बात की एक बात ये है कि यू नो, ये जो बच्चों वाला तुम हरकतें कर रहे हो ना, ये ग्रुप वो बना के अटैक करना किसी पे, किसी लड़की को टारगेट करना, यू नो, या मेरे कमेंट सेक्शन में आके लगना, तो भाई ये सब बंद कर दो, ग्रुप वो छोड़ दो, यू नेवर नो कि फिर पता नहीं कुछ ऐसे लोग, अच्छे लोग भी इस दुनिया में, जो अपना ग्रुप बना ले, फिर एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, अपना डिस्कॉर्ड ग्रुप बना ले, और फिर तुम पे आके टूटे, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ये सब काम करना ना छोड़ दो, कुछ अच्छी चीज़ों पे काम करो, कुछ अच्छी चीज़ों पे अपनी एनर्जी लगाओ, ओके, ताकि आपके पास भी अच्छी एनर्जी आए, राइट। और भाई देखो, अब कोई आगे जैसे अभी क्या था, लेट्स सपोज मान लेते कि यार आपको नहीं अच्छा लगता मैं जो करता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो आपको नहीं अच्छा लगता स्ट्रीम देखना, भाई यूट्यूब पे
लाखों लाखों करोड़ों चैनल है, लाखों करोड़ों पता नहीं बहुत करोड़ों चैनल्स हैं, और मैं इकलौता बंदा हूँ, मैं अकेला बंदा हूँ इन सब के बीच में। तो अगर आपको मेरा चीज़ नहीं अच्छा लग रहा तो आप बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करो ना यार, बाकी कंटेंट देखो, बाकी चीज़ें देखो ना, बाकी लोगों के पास जाओ, क्या पता आपको उनका चीज़ अच्छा लग जाए, है कि नहीं भाई। बहुत मैच्योरली समझाया मैंने, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो यू नो, देखो वैसे ही मैं आप लोग को इग्नोर करता हूँ, आप लोग को ऐसे ये जो ऐसा फालतू कमेंट करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच क्रेजी,